कैसे हैं गाइस। तो हम लोग अच्छे ही होंगे। तो अगर सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर काजल लॉटरी का। तो आज मैं व्लॉगिंग बनाने में बहुत लेट कर दी क्योंकि रात में बाबू सोने नहीं दी थी, इसलिए मैं सो गई थी। अभी थोड़ा देर पहले ही उठी हूँ सो के, और बाबू सोई हुई है, इसको भूख लग गया था, इसलिए मैं दूध पिलाने के लिए आई हूँ। इसको दूध पिला के अब इसको नहाने के लिए जाऊँगी, इसको रेडी करूँगी फिर जाने कपड़ा धोने के लिए। इसको रेडी करके फिर कपड़ा धोऊँगी। कपड़ा धो के मम्मी भी नहीं है घर में, मम्मी गए हैं सामान लाने के लिए इसके साथ दुकान का, पता नहीं वहाँ से निकले भी है कि नहीं। अभी मैं फ़ोन करके पूछूँगी। तो इसको तो जाने पहले पानी गर्म करने के लिए पानी गर्म करूँगी, जब इसको नहाऊँगी, नहा ही नहीं हूँ, गर्मी लग रहा होगा उसको, सोई हुई है। तो बस मैंने थोड़ा देर बाद A few moments later. तो गाइस अभी मम्मी से मार्केट से नहीं निकली है, अभी निकलने वाली है मार्केट से, मतलब सामान ले लिए हैं, अब मार्केट से निकलेगी और इसके लिए मैं जाने पानी गर्म करने के लिए सुन रहा हूँ। आके जाने पहले कपड़ा धो लूँ, पहले मशीन में लगा हुआ है कपड़ा, जल्दी से पहले कपड़ा धो लूँ। तो गाइस बाबू को मतलब तैयार करके सुला दी हूँ। और मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने के लिए, चाय पीऊँगी क्योंकि चाय दर्द होने लगा, चाय पीऊँगी। चाय पी के फिर मैं तो जा रही हूँ दूध पीने के लिए। आज दो पूजा है माता रानी का, नवरात्रा चल रहा है ना, इसलिए तो गुड़िया भी अभी आई हुई माता को भोग लगा के, और गुड़िया भी कर रही है नवरात्रा, पहली बार कर रही है। बोल रही थी भाभी कर लो साथ में करूँगी, अकेले से अकेले अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोली करने के लिए मैं भी चलो ठीक है मैं भी कर लेती हूँ, मेरा भी छूट गया है बहुत दिन से इसीलिए। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग भी कौन कौन करते हैं। मेरा तो इधर से छूट गया था, इसलिए फिर से मैं सोची कि चल पकड़ लेती हूँ, जल्दी कर लूँगी अच्छा होगा, पर बहुत मन लगता है करने में गाइस, आप लोग भी कीजिएगा। तो जा रही हूँ गाइस, मैं दूध या तो चाय पीऊँगी नहीं तो दूध पीऊँगी। मैं सुबह से चाय पी हूँ और अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ, प्रसाद भी नहीं खाई हूँ बस। तो गाइस बाबू जग गई है, खेल रही है, मैं गाइस अभी सो रही थी बट लेकिन उसको जगा के रखी हूँ क्योंकि रात में सोती नहीं है, इसको जगा के रखी हूँ। इसलिए कि मेरे को मैं सुबह सोई थी और बाबू को इतने जगह तक रखते हुए रात में बहुत परेशान करने लगती, सोती नहीं हूँ इसलिए। क्या हुआ तो गाइस अभी जा रही हूँ फोन किसे देख लिए बेटा, फोन देख लिए। तो गाइस अभी जा रही मैं दूध वाले के लिए, दूध वालूंगी तभी आप लोग से बात करूंगी। छूने नहीं दे रही है, दर्द करता है ना, इसलिए वो छूती हूँ तो रोने लगती है। रात में चोट लगा ली थी, बहुत ज़्यादा ही रोने लगी, रात में ही खेल रही थी, रात में नहीं सोई थी, 4 बजे सुबह सोई है। अच्छा ठीक है बेटा, पेंट पहना रही हूँ। तो पता
तो मैंने जोर से बहुत ज़्यादा ही जोर से उठा के बस मार ली। ऐसे खेल रही थी, बजा रही थी, उसमें घंटी है, सिस्टम टाइप घंटी है अंदर में, पता ही नहीं चलता है कि घंटी है, बट बजाने से घंटी जैसा आवाज़ करता। बहुत जोर से बस इस पर लगा ली, बहुत लाल हो गया। सुबह देख रही हूँ तब पता चल रहा है लाल हो गया, तब सोच रही हूँ कि लग रहा है रात में मारी है, उसी के कारण लाल हो गया है। ये कैसी कर दी है और ये सुसु भी कर दी है जान इसको चेंज करने के लिए। तो अलग प्रे कीजिएगा, इसका दर्द मतलब यहाँ का दर्द आराम हो जाए, बट यहाँ पे भी लगा था तो इतना तक बिल्कुल लाल हो गया था, तो अभी वो छूट गया है। मतलब वो हमेशा छिपकिट टाइप का जो करती है ना, उछलने लगती है ना, इसलिए गिरने का बहुत ज़्यादा ही डर लगता है इसको। बहुत ज़्यादा ही छिटपिट कहती है, बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा ही बदमाश। ठीक है बेटा, पेन पेन आ रही हूँ। आप लोग से थोड़ा देर दे, 5 मिनट बाद मिल रही हूँ आप लोग से। बस इसको पैंट पहना दूँ और मतलब बिछा अच्छा दूँ, बस आप लोग के पास बिछा मिल रही हूँ। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइस इसको मैं चेंज कर दी हूँ और ये भी खेल रही है। तो गाइस किसका किसका नवरात्रि मतलब अच्छा चल रहा तो कमेंट में बताइएगा। मेरा तो बहुत मस्त चल रहा है अभी, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मतलब फास्ट रखी हूँ। तो पूजा हो गया, फिर माता रानी किसी तरह पार कर दे, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मतलब मैं हस्बैंड बोल रहा था अभी मत रखो क्योंकि ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है इधर, अभी मत रखो। तो मैं बोली कि नहीं कर लेती हूँ, फिर पकड़ना पड़ेगा मेरे को, नहीं कितना दिन हो गया छोड़ा हुआ, पकड़ूंगी बहुत देर। और गुड़िया भी मतलब जीत कर रही थी, वो उसको भी करने का बहुत दिन से मन था, वो भी जीत कर रही थी कि भाभी करो ना, कोई भी कर लो, मेरे साथ में कोई भी करोगे ना तो मन लगेगा। बस ये है कि एक आदमी करने से उतना मन नहीं लगता है, एक दो आदमी करने से घर में बहुत ज़्यादा ही मन लगता है, बट वो मतलब फास्ट नहीं ना रखती है, कभी नहीं रखती है, लेकिन इस बार फर्स्ट बार इतना दिन तक के लिए फास्ट रखी है, 9 दिन के लिए। बस माता रानी किसी तरह उसको पूरा कर दे, माता रानी करके बस टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मैं तो रखी हूँ तो मेरा तो टेंशन ही नहीं है, मैं तो किसी तरह रख भी लूँगी, बट वो बच्चा का बस किसी तरह से ये हो जाए, माता रानी करके दिन पूरा हो जाए वैसे, तो फिर वो अपने फिर पकड़ लेगी। इसलिए सोच रही है कि अभी ऐसे करूँगी, आदत रहेगा। ये भी बात सही है कि लड़की जात को हर चीज़ का आदत रखना चाहिए, हर एक चीज़ का आदत रखना चाहिए ताकि आगे चल के मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं शादी से पहले भी करती थी गाइस, मतलब 2016 से ही मैं पकड़ी हूँ, बट बीच में शादी जब हुआ था मेरा छूट गया था तो फिर मतलब चैती नवरात्रा से ही मैं पकड़ लेती हूँ। बाबू भी हो गया, टेंशन नहीं रहा मेरे को, अभी धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी नविता। और मेरा फिर 5 तारीख को एग्ज़ाम भी है, फिर एग्ज़ाम देने जाना है। क्या मेरे को रिवाइज भी करना है गाइस, अभी रिवाइज भी तो ना भी नहीं की हूँ, मेरे को रिवाइज करना है। कैसा एग्जाम जाएगा नहीं जाएगा ये पता नहीं। क्या ये रो रही है गाइस फोन देखने के लिए, देखिए काजल सब कैसे फैला लिए बेटा, फोन देखने के लिए रो रही है। हाँ जी देखिए गाइस आप लोग से बात कर रही है, क्या हुआ क्या तो कैसे गोदी आने के लिए रो रही है, इसको मैं अब गोदी में ले लेती हूँ, बात करती हूँ थोड़ा देर बाद। तो गाइस शाम का आरती हो गया है और मतलब अभी कपड़ा उपड़ा भी यहाँ तय हो रहा है, मम्मी गई है अभी आधा तय करते करते दुकान गई है और कुछ तय इधर हो गया है, और यहाँ बाबू सोई हुई है और गुड़िया बैठी है। तो गाइस कैसा था आप लोग का रोजा, तो
तो गाइस मैं जा रही थी वीडियो एंड करने के लिए, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आज सेकेंड नवरात्रि, तो गाइस सेकेंड नवरात्रि एंजॉय कीजिए, हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। बाय बाय, गुड इवनिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।